तीन महीना पहले क्या दिए थे? ये दिए थे कि सर ये गांव का अगर फैसला नहीं होगा तो इसी गांव में हर ड्रामा जून में या जुलाई में होगा। बंदूक से लोग बताते कि मारो तो रहना, गिर जात रहने के बाद लाठी गोटी से मार के जो पुलिया उलिया था ना उसमें घुस जात रहना तो खींच के लाठी डंडा से पीट के खून खून के मार के मुँह देना उस लोगों को। अब मेरे पापा चल गए, अब हम लोग कैसे रहेंगे, कौन कमाएगा, कैसे हम लोग खाएंगे जिएंगे, कौन हम लोग को पढ़ाएगा लिखाएगा। सोनभद्र जिले के उम्हा गांव में जमीन पर जबरन कब्जे को लेकर 10 लोगों की हत्या कर दी गई है और एक दर्जन से ज्यादा लोग अभी भी जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। क्विंट की टीम पहुंची है ग्राउंड जीरो पर इस वारदात की पड़ताल करने के लिए कि आखिर इसकी शुरुआत कहां से हुई और इसके जड़ में कौन कौन है। और से आए तो वहीं रुक गए, तब लगन ट्रैक्टर यह बोले उतार दें कहें ऐसा, बाकी मना करत रहें कहें कि नहीं जुताई ना हो सके। भाई हर तो जनता लोग जोता थे गरीब गुरबा वो लगन इतने पर पूछो नहीं कहें धड़ाए धड़ाए लगन बंदूक चलावे बदे गोजी लाठी गोजी और चलाता बंदूक यो चलाता एकदम धड़ाए धड़ाए कुल गिर गए ना मार जनता लगेन कूदे बदे रे तरफ कर रहे कूदे लगेन। पुलिस बुलाए बार बार फोन करत रहे, बार बार फोन करे पुलिस का कहते अगबे नहीं करे उठबे नहीं करे, जब सब मार के चला गए तब आए, हाँ मार के चला गए तब सब आए, तब वह आए तुरंत लाद लाद लेके चला गए अपने हाथे। अच्छा। हाँ ये कोई कहबो नहीं करके लाद अपने हाथे लाद लाद लेके भागे जा फुल लोट पर गए, पुलिस कहाँ से आएगी ना, कहीं छिपा रहा हुए तब ना आएगी ना, घंटे में आधा घंटा नहीं बीता लाश गिरा तुरंत आएगी पुलिस कहाँ से आएगी ना, जब पुलिस जब फोन यहाँ से लगाया तो ना पुलिस उठौते नहीं रहे, जब नहीं उठाए तो कहाँ से जुट गए उन लोग, छिपा ना रहा हुई तब न कि घूस खाए रहे भैया। यही वो जमीन है जिस पर कब्जा लेने के लिए खूनी संघर्ष हुआ। तकरीबन 600 बीघे की जमीन सोसाइटी के नाम से है, जिसमें से लगभग 100 बीघे जमीन उम्हा ग्राम के ग्राम प्रधान ने अपने और परिवार के नाम से रजिस्ट्री करा ली है, जिस पर कब्जा करने के लिए वो 2 साल से कोशिश कर रहा था लेकिन सफलता नहीं मिली। आखिर में बुधवार यानी कि 17 जुलाई को यहाँ पे 32 ट्रैक्टर और सैकड़ों लोगों के साथ पहुँचा और ग्रामीणों ने इसका विरोध किया, तब उन लोगों ने लाठी डंडे के साथ और गोलियाँ चलाई। यहाँ पे कई ऐसी चीज़ें दिखाई दे रही हैं जो साफ बता रहे हैं कि यहाँ किस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया होगा। वो भी जोतते बोते इसी में जो है कि मृतक हो गए, इसके बाद हमारे पिताजी लोग हो गए, इसके बाद हम लोग भी जोत बो रहे हैं, ये तीसरा पुश्त है। तीसरा जी तो कितना जमीन है जिस पे विवाद चल रहा है? इसमें तो सर देखिए कुल 600 बीघा जमीन है आदर्श का पेटी फार्म की, लेकिन उसमें 112 बीघा बनामा रजिस्ट्री करा लिए हैं, तो उसी के लेकर मालक पूरी जमीन में विवाद हुआ है। लेखपाल कानेगोई तहसीलदार SDM आए थे तो यह जमीन के नापी पैमाइश पर सर गांव सवाल किया कि जो कॉपरेटिव फार्म है वो कॉपरेटिव फार्म पैमाइश कर करके उसके नापी करके अलगिया दिया जाए, हमारी लोग के एक बगल कर दिया जाए। काश मत दीजिए,